अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपका दिल और जुबान सुभान अल्लाह कहने को मजबूर हो जाएगी। ये वाक्य हिंदुस्तान के गोरखपुर के इस्माइलपुर का है। क्या आज से तकरीबन 68 साल पहले जब 11 लोग साइकिल से हज यात्रा पर निकल पड़े और 9 महीने साइकिल चलाते हुए सऊदी अरब पहुँचे और रास्ते तमाम दुश्वारियों का सामना होने के बावजूद इनका हौसला नहीं डिगा और उन्होंने खुदा के घर का दीदार करने का सपना पूरा किया। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर इन लोगों को जब पासपोर्ट नहीं होने की वजह से रोक लिया गया तो यह जानकारी मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हुई तो उन्होंने इन लोगों को फौरन ही पासपोर्ट बनवाकर दे दिया। इस बात का चश्मदीद गवाह पासपोर्ट आज भी मोहल्ला खोखर टोला में महफूज है जिसमें तमाम मुल्कों की मोहर लगी हुई है। वाक्या 1953 का है जब भारत को आजाद हुए 6 साल हुए थे। गोरखपुर के इस्माइलपुर मोहल्ले के 11 लोगों ने सऊदी अरब के मुकद्दस हज यात्रा के लिए कमर कसी जाने का जरिया बना साइकिल। उस वक्त विदेश की यात्रा पानी के जहाज से की जाती थी लेकिन इन लोगों ने ठान लिया था कि साइकिल से ही हज के लिए जाएंगे और समय साइकिल से कई हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा करना नामुमकिन माना जाता था। खुदा के घर का तवाफ करने की हद और इबादत का जुनून इस कदर बढ़ा कि राह में आने वाली तमाम दुश्वारियों का ख्याल न रहा। इन साइकिल हज यात्रियों में अब कोई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस ग्रुप के आखिरी सदस्य हाजी अब्दुल मोइन की वफात 10 साल पहले हुई थी लेकिन इस यात्रा को इनके परिवार के लोगों ने सजो कर रखा है। हाजी औरंगजेब के चाचा जात दादा हाजी अब्दुल हफीज और वालिद हाजी अब्दुल मोइन भी इन यात्रियों में से एक थे। उन्होंने बताया कि साल 1953 में इस्माइलपुर के 11 लोगों ने मुकद्दस हज यात्रा साइकिल से करने की ठानी। इस ग्रुप के मुखिया बने हाजी पतंग वाले खुदा बख्श। इनमें हमारे चाचा जात दादा भी हाजी अब्दुल हफीज भी थे। मेरे वालिद की भी जबरदस्त तमन्ना थी लेकिन साइकिल ना होने की वजह से अफसोस करके रह गए। यह ग्रुप बिना पासपोर्ट के हज यात्रा के लिए रवाना हो गया। यह दस्ता बस्ती तक पहुंचा तो मेरे वालिद अब्दुल मोइन के एक दोस्त जाहिद अली खान जो कि रेलवे में काम करते थे से इनकी मुलाकात हुई। उनसे बातचीत में अब्दुल मोइन ने अपनी तमन्ना जाहिर की। जाहिद ने कहा इरादा है तो साइकिल ला दे। उन्होंने नखास के इकलौते मौलवी साहब साइकिल वाले की दुकान से हम्बर साइकिल खरीद दी। फिर क्या था, पिता ने सफर पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 250 रुपए साथ रखा, उस समय इतने पैसे की बड़ी कीमत थी। खाने के लिए सत्तू व चना रखा। तीन लोग अब्दुल अजीज नेक मोहम्मद बख्श ने बस्ती तक इन्हें 10 लोगों के ग्रुप तक पहुंचाया। इस समय इन्होंने एक होल्डन में तमाम जरूरत का सामान रखा, साइकिल मरम्मत का सामान भी रखा। फिर निकल पड़े हज की मुकद्दस यात्रा पर। जब इन लोगों का काफिला दिल्ली के रास्ते राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचा तो इन्हें पासपोर्ट न होने की वजह से रोक लिया गया। इसकी जानकारी भारत की एम्बेसी सरकार को दी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उन्होंने इन लोगों के जज्बों को सलाम करते हुए फौरन ही पासपोर्ट बनाने का आदेश देकर मुहैया कराया। फिर सफर शुरू हुआ। राह में तमाम दिक्कतें पेश आई। पाकिस्तान तक लोगों की बोलियां समझ में आती थी इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आई। जब लोगों को पता चलता कि यह दस्ता साइकिल से हज यात्रा के लिए जा रहा है तो खूब खिदमत करते थे, तोहफे देते थे। हाजी औरंगजेब ने बताया कि इस दौरान तमाम तरह के वाकयात पेश आए। रेगिस्तानी इलाकों से जब गुजर होता तो गर्म हवाओं से बचने के लिए रेत में साइकिल समेत मुंह ढककर अपनी जान बचाते थे। जब हवाओं की रफ्तार थम जाती तो रेत को झाड़ते हुए निकलते, फिर यात्रा शुरू कर देते। पाकिस्तान के अलावा अन्य मुल्कों इराक ईरान सऊदी अरब में अरबी व फारसी बोली जाती थी जिससे वहाँ की बोली समझने में दुश्वारियाँ होती थीं, लेकिन लोग समझ जाते थे कि यह हज यात्रा पर जा रहे हैं तो खूब खिदमत करते थे। रुकते रुकाते यह सफर 9 महीने में पूरा हुआ। यात्रा के दौरान एक वाक्या काबिले गौर है। जब इराक के बगदाद में बड़े पीर साहब की मजार पर वालिद गए तो वहाँ पर इनके पासपोर्ट व पैसे वाली थैली गुम हो गई। काफी ढूंढने पर भी नहीं मिली तो इनके जो और साथी थे उन्होंने अपना सफर जारी रखा। बिना पासपोर्ट के आगे जाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए यहीं बगदाद में सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मजार पर रुक गए। यहीं पर रोते रोते शाम हो गई। आंखें झपकी तो एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। परेशानी की वजह पूछी तो आपने अपनी परेशानियां बयां कर दी। उन्होंने खाने के लिए कुछ दिया फिर वहां से चले गए। तो वालिद मोहतरम ने मजार से बाहर आकर देखा तो पासपोर्ट व पैसे
की थैली वहीं पर मौजूद थी। हालांकि इस जगह पर कई बार देखा गया लेकिन वहां पर वो थैली नजर नहीं आई। खैर उन्होंने खुश होकर सफर जारी रखा। फिर जल्द यह ग्रुप से मुलाकात भी हो गई। सऊदी अरब में तशरीफ लाने पर वालिद की तबीयत खराब हो गई लेकिन उसके बावजूद अपने हज की रस्म को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि वालिद मोहतरम बताते थे कि हर जगह पर 5-5 घंटे ठहराव होता था, खाना पकाया जाता, नमाज पढ़ी जाती और तमाम जरूरत से फारिग हुआ जाया करता था। हज के तमाम अरकान अदा करने के बाद ये तमाम लोग भारत वापस तशरीफ ले आए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस ईमान अफरोज वाक्य के बारे में जान सकें और इससे वाबस्ता और रूबरू हो सकें।